जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जुएल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अन्नपूर्णा देवी जी, ओडिशा के डिप्टी सीएम केवी सिंहदेव जी, श्रीमती प्रभाती परिडा जी, सांसदगण, विधायकगण, देश के कोने कोने से आज हमारे साथ जुड़े हुए, देश के कोने कोने से आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी अन्य महानुभाव और ओडिशा के मेरे भाइयों और बहनों, ओडिशारो प्रिय भाई आओ भवनवेच्चा। भगवान जगन्नाथ की कृपा से आज एक बार फिर मुझे ओडिशा की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। जब भगवान जगन्नाथ की कृपा होती है, जब भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद बरसता है, सौभाग्य मिला है। जब भगवान जगन्नाथ की कृपा होती है, जब भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद बरसता है, तब भगवान जगन्नाथ की सेवा के साथ ही जनता जनार्दन की सेवा का भी भरपूर अवसर मिलता है। साथियों, आज देश भर में गणेश उत्सव की धूम है, गणपति को विदाई दी जा रही है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भी है। आज ही विश्वकर्मा पूजा भी है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां श्रम और कौशल को विश्वकर्मा के रूप में पूजा जाता है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ऐसे पवित्र दिन अभी मुझे ओडिशा की माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ करने का अवसर मिला है। और ये भी महाप्रभु की कृपा है कि माता सुभद्रा के नाम से योजना का आरंभ हो और स्वयं इंद्र देवता आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आज देश के 30 लाख से ज्यादा परिवारों को यहीं भगवान जगन्नाथ जी की धरती से देश भर के अलग अलग गांवों में लाखों परिवारों को पक्के घर भी दिए गए हैं। इनमें से 26 लाख घर हमारे देश के गांवों में और 4 लाख घर हमारे देश के अलग अलग शहरों में ये घर दिए गए हैं। यहां ओडिशा के विकास के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है।
मैं आप सबको, उड़ीसा के सभी लोगों को, सभी देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, उड़ीसा में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनते समय मैं शपथ आया था। उसके बाद ये मेरी पहली यात्रा है। जब चुनाव चल रहे थे तब मैंने आपसे कहा था यहां डबल इंजन की सरकार बनेगी तो उड़ीसा विकास की नई उड़ान भरेगा। जो सपने यहां के गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, ऐसे हमारे वंचित परिवारों ने देखे हैं, जो सपने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने, जो सपने हमारे नौजवानों ने, हमारी नौजवान बेटियों ने, जो सपने हमारे मेहनत कश मध्यम वर्ग ने देखे हैं, उन सबके सपने भी पूरे होंगे, ये मेरा विश्वास है और महाप्रभु का आशीर्वाद है। आज आप देखिए, जो वादे हमने किए थे वो अभूतपूर्व गति से पूरे हो रहे हैं। हमने कहा था हम सरकार बनते ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चारों द्वार खोलेंगे। सरकार बनते ही हमने भगवान जगन्नाथ मंदिर परिषद के बंद द्वार खुलवा दिए। जैसा हमने कहा था मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया। भाजपा सरकार दिन रात जनता जनार्दन की सेवा के लिए काम कर रही है। हमारे मोहन जी, केवी सिंहदेव जी, बहन प्रभाती परिड़ा जी और सभी मंत्रियों के नेतृत्व में सरकार खुद जनता के पास जा रही है, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है और मैं इसके लिए यहां की मेरी पूरी टीम की, मेरे सभी साथियों की भरपूर प्रशंसा करता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये दिन एक और वजह से भी विशेष है। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी
सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है। कुछ दिन पहले ही 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसका फायदा मेरे ओडिशा के गांवों को भी होगा। बजट में जनजातीय मंत्रालय के बजट में करीब 2 गुनी बढ़ोतरी की गई है। देश भर में करीब 60,000 आदिवासी गांवों के विकास के लिए विशेष योजना की घोषणा की गई है। बीते 100 दिनों में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शानदार पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है। जो कर्मचारी है, जो दुकानदार है, मध्यम वर्ग के उद्यमी है, उनके इनकम टैक्स में भी कमी की गई है। साथियों, बीते 100 दिन में ही ओडिशा सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। हाल में ही धान किसानों, तिलहन और प्याज किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। विदेशी तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है ताकि देश के किसानों से ज्यादा कीमत पर खरीद हो। इसके अलावा बासमती के निर्यात पर लगने वाला शुल्क घटाया गया है। इससे चावल के निर्यात को बल मिलेगा और बासमती उगाने वाले किसानों को ज्यादा फायदा होगा। खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया है। इससे देश के करोड़ों किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। बीते 100 दिन में सबके हित में ऐसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, कोई भी देश, कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ता है जब उसके विकास में उसकी आधी आबादी यानी हमारी नारी शक्ति की बराबर भागीदारी होती है। इसलिए महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य, ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। यहां तो भगवान जगन्नाथ जी के साथ देवी सुभद्रा जी की मौजूदगी भी हमें यही बताती है, यही सिखाती है। मैं यहां देवी सुभद्रा स्वरूपा सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है। इसका लाभ ओडिशा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा
समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है। इस डिजिटल करेंसी को आप सभी बहनें जब मन आए डिजिटल तरीके से खर्च भी कर पाएगी। देश में डिजिटल करेंसी की अपनी तरह की इस पहली योजना से जुड़ने के लिए मैं उड़ीसा की माताओं बहनों बेटियां सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं।